हेलो दोस्तों, तो हम लोग बात कर चुके थे एमपीपीएससी 2013 का पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके थे एमपीपीएससी 2013 का प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर। अब इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग एमपीपीएससी 2014 की प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर। ये भी 2 घंटे का होता है, फर्स्ट पेपर है 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो आपको याद रखना है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 से 56 में हुआ। समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज की त्रिव्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है बलवंत राय। भारत में बलवंत राय समिति द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए 2013-14 में भारत की औद्योगिक विकास दर क्या थी? तो आपको याद रखना है 4.5%। वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए 2013-14 में भारत की औद्योगिक विकास दर 4.5% थी। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है एबी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात ए बी वाजपेयी जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। पांचवा क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 171। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के 171 अनुच्छेद में रखा गया है। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ? तो आपको बताना है 1964 में, बी ऑप्शन सही है। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 1964 में 2 दलों में हुआ, सीपीआई और सीपीआईएम। अपना अगला क्वेश्चन है सातवां, अंतरास्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? तो आपको बताना है घाघरा। घाघरा अंतरास्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, बी ऑप्शन है सातवां। आठवां क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है सिक्किम में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, याद रखना हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन है, डर्बन नगर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र में डर्बन नगर स्थित है। फिर दसवां, कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको बताना है इन सभी से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, आपको याद रखना है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है,
और मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, ये 5 राज्यों से गुजरती है, किन किन से? तो ऊपर से सबसे पहले हमारा है यूपी, फिर उसके बाद है एमपी, छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश। ठीक, 5 राज्यों से गुजरती है और कर्क रेखा 8 राज्यों से। ठीक, फिर है हमारा 11 क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो आपको बताना है 1969 में, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, प्रारंभ में 14 बैंकों का किया गया था 1969 में, फिर 6 बैंकों का किया गया था 1980 में। भारत सरकार ने बैंकिंग सेवाओं के सुधारों में के तहत 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 का इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में किया, इसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया। बारहवा क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ? तो आपको याद रखना है दिसंबर 1971। भारत पाक युद्ध दिसंबर 1971 के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। 13वां क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में है? तो आपको बताना है उड़ीसा में, सी ऑप्शन। चिल्का झील भारत के खारे पानी की सर्वाधिक बड़ी झील है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, सुंदर डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? याद रखना, सुंदर डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो आपको याद रखना है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको बताना है 1906 में। वर्ष 1906 में ढाका में आगा खां के द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 16वां क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था की स्थापित की? तो आपको बताना है लॉर्ड कार्नवालिस। स्थायी भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना 1793 में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने भारत में की थी, जिसके तहत जमींदारों का अब भू राजस्व का लगभग 90% भाग कंपनी को तथा 10% भाग अपने पास रखना था। 17वां क्वेश्चन, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकार तौर पर घोषणा की गई, सरकारी तौर पर, तो आपको याद रखना है 3 जून 1947, इसे 3 जून योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत तथा पाक का विभाजन 3 जून 1947 को किया गया था। 18वां क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1938 की हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस की 52वीं अधिवेशन थी, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? तो आपको याद रखना है अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का व जहांगीर के काल को चित्र कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला। जहांगीर के काल को चित्र कला का स्वर्ण काल। ठीक, 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो आप
आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह, ये ऑप्शन सही है। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है। 21वां है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री मंडल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था, याद रखना। हमारा है 22वां क्वेश्चन, कौन सा 22। निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो आपको याद रखना है साहित्य रत्न गीतांजलि तुलसीदास की है, गीता वाली, कविता वाली, विनय पत्रिका, ये तीनों तुलसीदास जी की है। ठीक है, साहित्य रत्न नहीं है, गीता वाली, कविता वाली, विनय पत्रिका संत तुलसीदास की ही रचना है। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दिल्ली शहर की स्थापना की? तो आपको बताना है तोमर वंश। राजपूत वंश में तोमर वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दिल्ली शहर की स्थापना की थी। 24वां क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? तो आपको याद रखना ब्राह्मणों को। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने। 22 अक्टूबर 1296 में खिलजी वंश का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना तथा इसने बाजार सुधार व्यवस्था लागू की, साथ ही घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी प्रारंभ की थी। 26वां क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो याद रखना गुजरात। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मुख्य भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर है, समुद्र तट की सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। वह गुजरात भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121,05,69,573 है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 68.8% जबकि नगरीय जनसंख्या 31.3% है। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बौद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो याद रखना सूत पिटक में। सूत पिटक बौद्ध साहित्य में महात्मा बौद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। 29वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो याद रखना है 72.4%, ए ऑप्शन सही है। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,809 है, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 72.4% है और 27.60% शहरी जनसंख्या का अनुपात है। ठीक है। 30वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो आपको बताना है मंदसौर।
मध्य प्रदेश का मंदसौर एकमात्र अफीम उत्पादक जिला है तथा खंडवा गांजा उत्पादक जिला है एकमात्र। 2013 31 31वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला है, तो आपको बताना है बालाघाट। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,809 है, जिसमें बालाघाट जिले का सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात है 1021 लिंग अनुपात। बात करते हैं हम लोग 32वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको बताना है मंडला में। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान समय में डिंडोरी जिले में स्थित है, पूर्व में मंडला जिले में स्थित था। ठीक है, 33वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल वन क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं, तो आपको बता देना है 17.8%। मध्य प्रदेश में सागौन वन कुल वन क्षेत्रफल के लगभग 17.8% भाग पर पाए जाते हैं, दूसरे स्थान पर लगभग 16% भाग पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चौंतीसवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता लगभग कितने लाख हेक्टेयर है, तो आपको बताना है 44.94। मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता लगभग 44.94 लाख हेक्टेयर है। 35वां क्वेश्चन है, स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिक आवास का उदाहरण है तालाब दलदल। स्वच्छ जल समुदाय में तालाब और दलदल लेंटिक आवास का उदाहरण है। 36वां क्वेश्चन है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किया जाता है। 37वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो आपको बता देना है बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य का गठन कब हुआ, तो सबको पता होगा आपको, 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, इससे पूर्व यह मध्य प्रदेश प्रांत कहलाता है, मध्य प्रांत कहलाता था। इसका 1 नवंबर 2000 को पुनः विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई, तो स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1956 को, और पुनर्स्थापना पुनर्गठन इसका 1 नवंबर 2000 को। बात करते हैं 39वें क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन 2014 किस जगह हुआ, तो याद रखना है बीजिंग चाइना में। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन 2014 चीन के बीजिंग शहर में हुआ था। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक में 21 सदस्य देश हैं, जिसके पास कुल जनसंख्या का 40% भाग है, जबकि पूरे विश्व के सकल उत्पाद का 50% भाग इन देशों से प्राप्त होता है। अतः एपेक संगठन को आर्थिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्नीसवां सार्क सम्मेलन 2016 कहाँ पर स्थापित था, तो याद रखना है आपको पाकिस्तान। 19वां सार्क सम्मेलन 2016 पाकिस्तान में प्रस्तावित था। भारत ने शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, बाद में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीप ने भी इस शिखर में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। सार्क के 8 देश है, इसकी स्थापना 1985 में की गई। ठीक है, 41वां क्वेश्चन है, 17वें एशिया खेलों में भारत ने पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त, कुल कितने पदक प्राप्त किए, तो आपको याद रखना है 57। 17वें एशियन खेल
का आयोजन दक्षिण कोरिया के इच्छियों ने ने आयोजित किया था गया, जिसमें भारत ने कुल 8वां स्थान प्राप्त कर कुल 57 पदक प्राप्त किए थे। फिर है हमारा 42वां क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का गठन ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया गया। अब है हमारा 43वां क्वेश्चन, सन 2014 में रसायन शास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो याद रखना है आपको एरिक वेटजे, स्टीफन डब्ल्यू हेल, विलियम ई मोर्नर। सन 2014 में फ्लोरेंस माइक्रोस्कोपी के विकास के लिए एरिक वेटजे अमेरिका के थे, स्टीफन हेल जर्मनी को रसायन शास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर हमारा 44वां क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इबोला से सर्वाधिक प्रभावित देश है? तो याद रखना लाइबेरिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप का लाइबेरिया इबोला वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देश है। पैंतालीस, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? तो याद रखना गांधी जयंती। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रारंभ किया था। 46वां क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? तो याद रखना है ग्रीन हाउस गैस, बी ऑप्शन सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। यह सम्मेलन 1997 में क्योटो जापान में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक कानूनी एवं बाध्यकारी समझौता किया गया, जिसमें औद्योगिक देशों को वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 5.5% कम करना तय किया गया था। इसमें किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में बनता है? किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में बनता है? तो आपको याद रखना है रेटिना, डी ऑप्शन है। 48 क्वेश्चन नंबर 48, 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ संपन्न हुई? तो आपको याद रखना है मुंबई। 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मुंबई में किया गया था। 49, तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो याद रखना है के चंद्रशेखर राव। आंध्र प्रदेश के विभाजित करने करके तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। हेलो फाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मिट्टी में। हेलो फाइटस क्षारीय मिट्टी में अच्छी वृद्धि करते हैं। अन्य प्रमुख वनस्पति जेरोफाइट, ये दलदली या भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है। थियोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की है। 51, रक्त में निम्न में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो आपको याद रखना है नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी रक्त में नाइट्रेट की अधिकता से होती है। ठीक है, बावन क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 109 गुना, सी ऑप्शन है। सूर्य का व्यास 13 लाख
92,000 किलोमीटर है तथा पृथ्वी से सूर्य का आकार 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवा भाग मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है नेपच्यून। सौर सूर्य में सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह नेपच्यून सबसे बड़ा, सबसे ठंडा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है बुध। ठीक, 54 क्वेश्चन नंबर है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत का मुख्य कार्य सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना है। ग्रीन हाउस उत्सर्जित गैसें, कार्बन गैस प्रदूषण के कारण ओजोन परत पर का निरंतर क्षय हो रहा है। रेड डाटा बुक अथवा रेल लिस्ट से संबंधित है, रेड लिस्ट से। IUCN, IUCN रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयासरत है। 56वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे चिपकू आंदोलन का नेता माना जाता है? तो आपको बताना है सुंदरलाल बहुगोड़ा। सुंदरलाल बहुगोड़ा को चिपकू आंदोलन का नेता माना जाता है। चिपकू आंदोलन 1973 में गढ़वाल हिमालय में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य अंधाधुंध वृक्षों की कटाई पर लगाम लगाना था। 57 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। इस सम्मेलन का आयोजन 1987 में किया गया। इसके विकसित देशों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत को सुरक्षित करने से संबंधित उत्पादन में वर्ष 2000 तक तथा विकासशील देशों को वर्ष 2010 तक बंद करने पर सहमति हुई थी।58 क्वेश्चन है, रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो आपको याद रखना है विनिवेश सुझाव हेतु रंगराज समिति का गठन किया गया था। अन्य समिति की बात करें तो राजा चेलिया समिति एक कर सुधार से संबंधित थी। राजा चेलिया समिति किससे संबंधित थी? कर सुधार। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित। रंगराज समिति वकाया भुगतान से संबंधित। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित थी। ठीक है, 59वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो याद रखना है 324, सी ऑप्शन सही है। चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। 1 चुनाव आयोग 1 सदस्यीय होता था, परंतु 1993 से चुनाव आयोग में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखना है द्वितीय। भारत का रेशम उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान है, जबकि दुग्ध उत्पादन में प्रथम, गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान है। 61, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों
और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, जबकि संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, संचालन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 62। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो आपको याद रखना है कृष्णदेव राय। हरिहर और बुक्का ने श्री ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य में स्थित प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के द्वारा निर्मित किया गया था। 63 क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आपको याद रखना है 61वें मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष कर दी गई है। ये संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, आज भी यही है 18 वर्ष। 64वां क्वेश्चन है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में से किसके द्वारा की जाती है? तो आपको याद रखना राज्य मानव अधिकार पूछ रहा है, राज्यपाल बी ऑप्शन है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें हटाता राष्ट्रपति है, याद रखना। जब केंद्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, 65वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो याद रखना है लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। राज्यसभा का सभापति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की सदस्य की नियुक्ति समिति में सदस्य नहीं होता है। ठीक, 66वां क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो आपको याद रखना है अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त वेदांत दर्शन के समर्थक नहीं है, जबकि रामानुज माधव वेदांत दर्शन के समर्थक है। हमारा 67वां क्वेश्चन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरूपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो आपको याद रखना है राज्य सरकार को, बी ऑप्शन सही है, राज्य सरकार को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति प्राप्त है। बात करते हैं 68वां क्वेश्चन सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होगा? तो याद रखना है उपयुक्त सभी, निर्देशक भी, प्रबंधक, सचिव। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में निदेशक, प्रबंधक, सचिव उत्तरदायी होते हैं। 69वां क्वेश्चन है हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम कितना दंड का प्रावधान है? तो आपको याद रखना है 1 वर्ष, सी ऑप्शन सही है, 1 वर्ष है। ठीक है, अगला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम 1 वर्ष का दंड का प्रावधान है। 70 है क्वेश्चन नंबर सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा क्या है? तो आपको याद रखना डायल अप सर्विस, बी ऑप्शन सही है, डायल अप सर्विस सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। अगला है क्वेश्चन 71वां SMPS का विस्तारण है, तो आपको याद रखना है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। 72वां क्वेश्चन है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत
अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना प्रथम श्रेणी के न्यायिक, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण निम्न न्यायालय द्वारा, किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। फिर है हमारा 73, इनमें से कौन एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? तो आपको याद रखना है इनमें से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस है? राउटर, हब, स्विच। तो उपयुक्त सभी है, डी ऑप्शन है। 74 बाइट 1 बाइट में होते हैं, तो आपको याद रखना है 8 बिट। 1 बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट, याद रखिए, ए ऑप्शन सही है। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 KB में 1040 बाइट होते हैं, 1 MB में 2 MB, 1 MB में 1024 KB होते हैं और 1 GB में 1024 MB होते हैं। ठीक है, याद रखिए। अगला है 75 क्वेश्चन नंबर। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का उपयोग निम्न में से किससे बचाता है? तो याद रखिए अनधिकृत आक्रमण से। संचार नेटवर्क प्रणाली में अनधिकृत आक्रमण से बचाने हेतु फायरवॉल का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन सही है। 76 क्वेश्चन है, FTP का पूरा नाम है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का पूरा नाम है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 77वां क्वेश्चन है, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है, तो उज्जैन। बेतवा नदी के तट पर ओरछा स्थित है। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे है और मुरैना चंबल नदी के किनारे। ठीक है, 78वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? तो आपको याद रखना है बघेलखंड। मध्य प्रदेश का बघेलखंड क्षेत्र सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 32 पहाड़ियों से घिरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जिसमें बाघों का घनत्व सर्वाधिक है। 79 क्वेश्चन नंबर, वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड शीट फोटो एडिटिंग उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड शीट फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। 2014 निम्न में से किसे प्रदान किया गया था? प्रभाकर कोरकर, बी ऑप्शन सही है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तानसेन सम्मान 2014 में प्रभाकर कोरकर को प्रदान किया गया था। 81वां क्वेश्चन है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया। मुड़िया जनजाति के द्वारा गौर नृत्य किया जाता है। नृत्य छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार में किया जाता है। 82 क्वेश्चन नंबर, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है, तो आपको याद रखना है धर्मवीर भारती नहीं है। बाकी शरद जोशी, प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 1926 में हुआ था, जबकि शरद जोशी मध्य प्रदेश के उज्जैन से, प्रभाकर माचवे मध्य प्रदेश से तथा हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गांव होशंगाबाद में 22 अगस्त 1922 को हुआ। आगे बात करते हैं, 83, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश है चोल। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल था। चोल राजवंश कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, याद रखना।
84वां क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया? तो याद रखना है चंदेल। खजुराहो का निर्माण 950 से 1050 में चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया। खजुराहो अपनी भव्य कलाकृति के कारण विश्व प्रसिद्ध है। 85वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निवाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? महेश्वर में, बी ऑप्शन है। मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन विभिन्न स्थलों पर किया जाता है, जिसमें निवाड़ उत्सव मध्य प्रदेश के महेश्वर में किया जाता है। निवाड़ उत्सव मध्य प्रदेश के महेश्वर में। 86 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश में मलाजखंड निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है तांबा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाजखंड स्थित है। मलाजखंड तांबा के लिए प्रसिद्ध खदान है तथा मैग्नीज के लिए भी भावेली बालाघाट खदान से निकलता है। टंगस्टन अगरिया गांव होशंगाबाद से निकलता है। 87 क्वेश्चन नंबर, वीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में है? उमरिया में, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में वीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र स्थापित है। 88वां तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। डी ऑप्शन सही है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम की कच्ची धातु या अयस्क है। 90वां घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो आपको याद रखना है सतपुड़ा विंध्यांचल। पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा और विंध्यांचल के बीच 90वां घाटी स्थित है। 2013 है। हॉकी इंडिया लीग भारत ही नहीं विश्व के अन्य देशों के भी हॉकी प्लेयर भाग लेते हैं, तो याद रखिए 2013। नर्मदा घाटी उदाहरण है तो याद रखना है विरंस घाटी का, बी ऑप्शन सही है। नर्मदा घाटी विरंस घाटी का उदाहरण है। यहाँ से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। 92वां क्वेश्चन नंबर 92, किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको याद रखना है मलखम्ब। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय खेल घोषित किया गया। इसके खिलाड़ियों को प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। याद रखना प्रभाष जोशी संबंध पुरस्कार का संबंध किससे? मलखम्ब से। 93वां क्वेश्चन, वन डे वंडर्स के लेखक हैं सुनील गावस्कर जी को, जो भारतीय क्रिकेट के सफलतम कप्तानों में से एक हैं, उनकी पुस्तक है वन डे वंडर्स। 94वां क्वेश्चन नंबर, लिब्रो शब्द उपयोग किस खेल से संबंधित है? लिब्रो, तो आपको याद रखना है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल खेल में लिब्बो शब्द का प्रयोग किया जाता है। 95वां क्वेश्चन है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपको याद रखना ब्रिज। होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से संबंधित है। 96वां क्वेश्चन, बोनस लाइन निम्न में से किस खेल में अंकित होती है? कबड्डी खेल में बोनस लाइन अंकित की जाती है। 97वां क्वेश्चन, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? ब्लैक पर्ल, तो आपको याद रखना है फुटबॉल। ब्लैक पर्ल फुटबॉल से संबंधित है, सी ऑप्शन सही। 98वां क्वेश्चन है, गेट कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखना है जेनेवा में 1948 में।
वर्ष 1948 में गेट के कार्यालय की स्थापना जेनेवा में की गई थी। 1 जनवरी 1995 में गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई। यह विश्व व्यापार पर नज़र रखने की वाली प्रमुख संस्था है। तो याद रखनी, गेट के स्थान पर अब क्या आ गया, WTO। WTO कब आया, 1 जनवरी 1995 में। 99वां क्वेश्चन है, वर्ष 2013-14 में निम्न में से कौन सी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई लाभ की स्थिति में नहीं थी। BSNL, डी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित है। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट स्टेडियम है, तो आपको याद रखना है फैजाबाद। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित है। तो ये था हमारा MPSC 2014 का प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे 2015 का MBBSC का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर।